सो हे गाइस, न्यूज ब्रदर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में काफी सारे कंटेस्टेंट है और काफी सारे लोग का बाहर में हाइप बना हुआ है कि हो सकता है वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो सकती है। वाइल्ड कार्ड की एंट्री में काफी सारे लोग को नाम आ रहे हैं, जैसे राखी सावंत हो गए, मिस्टर फैजू हो गए, और ही हो गए, मतलब ऐसे काफी सारे कंटेस्टेंट का नाम आ रहे हैं। लेकिन कब तक आएंगे ये इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, कौन कौन एंट्री कर सकता है, कुछ नए लोग भी आ सकते हैं इस बारे में काफी सारे लोग ऐसे कह रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को और ना ही सुनने को मिला है, क्योंकि जब से नावेद इस घर के छोड़ के गए हैं फिर उसके बाद अभी तक किसी की एंट्री नहीं हुई है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिग बॉस में, मतलब काफी सारे लोगों की एंट्री काफी सारे लोग मतलब बहुत ही अच्छे से हुए थे, जैसे विक्की जैन हो गया, अंकिता लोखंडे, मतलब जितने सारे कंटेस्टेंट थे वो जब एंट्री किए थे तो बहुत अच्छे से किए थे। और बिग बॉस के घर में आते हैं तो वो बिग बॉस का घर बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है, क्योंकि दिल दिमाग और दम का मकान रहता है। लेकिन जब रहते रहते वहां की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, तो बिग बॉस एक टास्क देते हैं और बोलते हैं आपके पास एक घंटा है और आप यह देख सकते हो किस तरीके का आपका खुद का मकान है, लेकिन आपने रहते रहते इसे कैसा बना दिया है, तो आपके पास एक घंटे का समय है। तो सारे लोग अपना अपना मकान मतलब बहुत ही फ्रेश कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनकी टीम आती है, जो एक्स्ट्रा चीजें दिखती है वो सारी चीजें वो उठाकर लेके चले जाते हैं। वो एक सेलिब्रिटी है, उनको ये नहीं पता है कि किस तरीके से रहा जाता है। जब बिग बॉस की टीम आती है तो उनके सारे सामान जब्त कर लेते हैं, जो बहुत एक्स्ट्रा है। जबकि हमने सुना था कि अंकिता लोखंडे लगभग 100 कपड़े लेके गए थे, तो कपड़े तो जाना है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सुरेश रैना के बारे में। सुरेश रैना बिल्कुल भी रांची गए हुए थे माँ देवली मंदिर में, जो कि उनको वहां पे हाजिरी लगाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एमएस धोनी के बारे में भी, जो कि एमएस धोनी से वो बिल्कुल भी मिलते हैं उनके फार्म हाउस पे, जो काफी समय के बाद मिलते हैं, जो कि उनको एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है। और वहां पे मतलब दोनों फार्म हाउस पे दोनों एक साथ खाना खाते हैं और फिर वहां से अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं, जो कि काफी समय के बाद हुआ है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी का बहुत ही ज्यादा वीडियोस वायरल चल रहे हैं, वो ऐसा इसलिए जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया उस मैच को जीत गए थे और वहां पे काफी सारे लोग, बड़े बड़े वीआईपी लोग भी पहुंचे थे, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी भी वहां पहुंचे। लेकिन होता कुछ यह है कि राहुल गांधी एक रैली के दौरान मतलब काफी सारे ऐसी बातें बोल देते हैं, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं, मतलब पनौती जैसा मतलब शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि उनको काफी सारे लोग मतलब उनके नेता जो है उनके मतलब सवालों में बहुत ज्यादा घेर रहे हैं। लेकिन एक सीएम है जो आसाम के हैं, उनका नाम बिल्कुल भी हेमंत विश्व शर्मा है, जो कि वो आसाम के एक सीएम है, जो कि हेमंत विश्व शर्मा है, जो कि वो हेमंत विश्व शर्मा ये भी बताते हैं कि उस दिन इंदिरा गांधी का बिल्कुल भी जन्मदिन था, आपने उस पर कुछ बातें भी नहीं बोली है, जब नरेंद्र मोदी ही आपको दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे काफी सारे उनके सवाल थे। और इसमें मतलब राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश किया है। इस बारे में आपको क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फटाफट से बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एनिमल मूवी के बारे में। एनिमल मूवी की हाइप बहुत ही ज्यादा बना हुआ है, काफी सारे लोग उस फिल्म के टीजर देखे हैं, लेकिन काफी सारे लोग मतलब उस ट्रेलर के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के टीजर आए हुए लगभग एक महीना होने को जा रहा है और इस फिल्म के टीजर की अगर व्यूज की बात की जाए तो 4.8 करोड़ व्यूज होने को जा रहे हैं। लेकिन कल की जो ट्रेलर रिलीज हुई है उस ट्रेलर की अगर व्यूज की 4.1 करोड़ के आसपास व्यूज हो चुके हैं। कह सकते हैं इस फिल्म की हाइप बहुत ही ज्यादा बना हुआ है, काफी सारे लोग का मतलब उत्साह है कि मतलब कब रिलीज होगी, एकदम मतलब फैंस एकदम पागली टाइप हो गए हैं, मतलब कह सकते हैं यह फिल्म अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यूके जेनरेशन राइडर के बारे में। यूके जेनरेशन राइडर अभी फिलहाल बिग बॉस में ही हैं, लेकिन उनका जो चैनल है यूट्यूब चैनल जिस पर ब्लॉग वो डालते हैं, लेकिन दो चार दिनों पहले अगर आप उनके चैनल पे विजिट करते तो उनके चैनल पे एक भी वीडियोस देखने को नहीं मिलता था। जबकि उनके पास उनके चैनल पे वीडियोस लगभग 800 के आसपास उनके चैनल पे वीडियोस हुए थे, लेकिन एक भी वीडियोस देखने को नहीं मिल रहे थे। और लगभग अभी हाल ही में मतलब 2-3 वीडियो मतलब उसके एक दो दिन के बाद देखने को मिल गए थे। लेकिन होता कुछ यूं है कि अभी अगर उनके चैनल पे विजिट करोगे तो लगभग सारी ब्लॉग्स देखने को आपको मिल जाएंगे। और काफी सारे लोग मतलब ये कमेंट कर रहे थे कि चैनल हैक हो गया है या फिर चैनल पे सिर्फ मतलब सारी वीडियो खुद से ही डिलीट कर दी। इस बारे में उन्होंने क्या रिप्लाई किया है आपको जरूर से सुनना चाहिए। व्हाट्सअप रोसिना, आई नो मेरे को 2-3 दिन से कमेंट सेक्शन डीएम्स और भैया के उसमें भी आ रहे हैं कि व्लॉग्स कहाँ हैं, व्लॉग्स कहाँ हैं, पुराने व्लॉग्स नहीं दिख रहे यूट्यूब चैनल पे। मेरे को ना टू बी ऑनेस्ट बताते हुए मेरे को पता नहीं था कैसे बताऊंगा, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। एक्चुअली सारे ब्लॉग वापस आ चुके हैं थोड़ा ग्लिच चल रहा था यूट्यूब पे, सो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू चल रहे थे चैनल पे, बट नाउ द चैनल इज बैक। तो यार इस बार में आपको क्या कहना है यूट्यूब का ग्लिच भी हो सकता है, तो इस बार में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जिग्ना वोरा के बारे में। जिग्ना वोरा बिग बॉस सीजन 17 के मतलब कंटेस्टेंट है और वो बिल्कुल भी मतलब अच्छा कर रही है, लेकिन उनको काफी सारे लोग मतलब
ऐसे भी लोग हैं वहां पे कि जो परेशान करते हैं, लेकिन इस वक्त उनके बिल्कुल भी एलिमिनेशन का वक्त हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी चार पांच लोग बिल्कुल भी नॉमिनेटेड हैं, एलिमिनेशन भी हो सकता है इसमें से। तो उनके बेटे ने बिल्कुल भी सपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने क्या कहा है, आपको उनकी जरूर से बातें सुनना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो, मेरी मम्मी इस हफ्ते बिग बॉस के घर में एलिमिनेशन जोन में है, एंड वी रियली वॉन्ट टू सी हर इन द फ्यूचर। एंड एज आई नो, शी इज नॉट प्लेइंग विद अ मास्क एज शी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अगली की अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि इस वक्त हमारा चैनल नया है और इस वक्त मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो।